दोस्तों जब कोई स्टूडेंट कॉमर्स में नया नया एडमिशन लेता है उसका बड़ा सपना रहता है सीए करने का। फिर उसके मन में क्यूरियोसिटी जगता है सीए काम क्या करते हैं। तब उसे जानने को मिलता है सीए फर्म नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और बहुतों को तो पता ही नहीं होता है सीए फर्म होता क्या है और इसमें काम क्या होता है। ये बात मुझे तब पता चला जब आप कमेंट में पूछ रहे थे सीए फर्म होता क्या है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तभी हम इस वीडियो में सीए फर्म क्या होता है और इसमें क्या काम होता है वो देखने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों सीए फर्म एक प्लेस होता है जहाँ पर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप, इसमें दो चार लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग 100 लोग भी हो सकते हैं, मिलकर एक पार्टनरशिप टाइप के बनाते हैं जहाँ पर सीए अपने कुछ ट्रेनीज और एम्प्लॉइज के साथ काम करते हैं। ये पार्टनरशिप टाइप का भी हो सकता है, सोल प्रोपर्टरशिप टाइप का भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है फर्म कितना बड़ा है। जहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को अकाउंटिंग, जीएसटी, टैक्स, बुककीपिंग, कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट, इस टाइप के काम में हेल्प करते हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं। वैसे तो और भी फाइनेंशियल सर्विस देते हैं पर मेजर काम अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी ये सब का ही होता है। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबको स्टॉक मार्केट की एडवाइस देते हुए भी मिल जाएंगे, ट्रेड करने में भी मदद कर देते हैं, पर वो एक्स्ट्रा काम है। अब ये बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, ये बिग फोर क्या होता है, क्या ये कंपनी है? तो सीए फर्म्स के बारे में अगर बता ही रहा हूं, तो बिग फोर सीए फर्म क्या होता है वो भी आपको बता ही देता हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को उसके बारे में भी पता नहीं होता है और जिनको पता है वो थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड का। बिग फोर मतलब ये भी एक तरीके का अकाउंटिंग फर्म ही होता है। इसमें मेनली 4 फर्म आते हैं, डेलॉइट, ईवाई, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी। ये सब फॉरेन के फर्म्स है पर इंडिया में काम करते हैं। इनमें वही सीए फर्म की तरह ही काम होता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, पर बड़े लेवल पे, जहां पर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ज्यादातर लिस्टेड कंपनी ही होती है, उनके स्टेट्यूटरी ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स ये सब करवाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जियो, टाटा, टीसीएस, विप्रो, इस तरह के कंपनीज की ये लोग सारा काम देखते हैं। अब सिर्फ बिग फोर ही बड़ी बड़ी कंपनीज की काम नहीं करती, और भी इंडियन फर्म्स है जो आपको टॉप 10 में मिल जाएंगे या टॉप 20 में मिल जाएंगे, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज की काम करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं सीए फर्म में क्या काम होता है। वैसे इस टॉपिक पर मैंने और एक वीडियो बनाकर रखा है सीए क्या काम करते हैं, उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट को मोटा मोटा पता ही होता है सीए फर्म में क्या काम होता है, अकाउंटिंग, बुककीपिंग, पर उसके अलावा भी टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ रिलेटेड वर्क्स, मार्जर एक्विजिशन, बिजनेस कंसल्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सेक्रेटरियल वर्क, ये सब भी होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं टैक्सेशन में क्या काम होता है। टैक्सेशन में 2 तरीके का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी होता है। टैक्स ऑडिट होती है, स्क्रूटनी करवाते हैं, टैक्स प्लानिंग होता है, डिडक्शन, और किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर इनकम टैक्स से कोई केस आई है तो उससे भी डील करते हैं। और जीएसटी में भी सेम उसी तरह का ही काम होता है, पर उसमें आपको मंथली काम करना होता है। अब ऑडिट की बात करें तो सीए कंपनी की जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उनको एग्जामिनेशन करता है या इंस्पेक्शन करता है और ट्रू एंड फेयर व्यू रखता है, और बाकी का गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट के लोग तो देख ही लेते हैं। अब ऑडिट में भी बहुत तरह के काम होता है, स्टेट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इन्फॉर्मेशनल सिस्टम ऑडिट, ऑक्स ऑडिट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑडिट, बैंक ऑडिट, और भी बहुत सारा होता है। अब आप सोच सकते हो ऑडिट में ही कितने सारे काम होते हैं, तो एम्प्लॉय की जरूरत तो होगा ही, तभी आप देखे होंगे एक सीए के अंडर कितने सारे लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, सीए कंपनी की इनकॉर्पोरेशन भी करवाता है, पार्टनरशिप फर्म की भी इनकॉर्पोरेशन करवाता है, आरओसी का वर्क देखता है, बाकी आप स्क्रीन में से देख सकते हैं क्या क्या काम होता है। नेक्स्ट, कंपनी की मार्जर और एक्विजिशन रिलेटेड भी काम करते हैं, उसके बाद इंसॉल्वेंसी यानी बैंक्रप्सी रिलेटेड काम भी करवाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उसके अलावा कोई कंपनी अगर न्यू शेयर इशू कर रही होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी काम होती है वो सब सीए को ही करना होता है। उसके अलावा एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस कर रही है, सेल कर रही है, कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, एमालगमेशन हो रहा है, ये सारा काम सीए ही करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटेंट मैनेजमेंट, उसके बाद स्टॉक ब्रोकर का काम भी करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब आप इतने डिफिकल्ट नाम सुनकर डर मत जाना कि सीए फर्म को ज्वाइन करेंगे तो इतने टफ काम करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। शुरू में जब आप सीए फर्म को ज्वाइन करेंगे तब आपको जनरल एंट्री ही मारने दिया जाता है, सेल परचेस की एंट्री, बैंक एंट्री, ये सब करने दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट लेवल की काम सिखाया जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीए फर्म ज्वाइन करना है तो बेस्ट प्लेस हो सकता है आपके कॉलेज के साथ साथ या स्टडी के साथ साथ कोई वर्क करने का। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।